जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस शो अवधनामे में आपका फिर से स्वागत है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का महानायक, दिल्ली सल्तनत, मैं फिर से एक बार और भी मैं ये बात कह चुका हूं, दिल्ली सल्तनत दुल्हन वही जो पिया मन भाए और राजा वही जो प्रजा को भाए। पी इज इक्वल टू पी, प्रायोरिटी पॉलिसी। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत में जो इसकी टैगलाइन है उसको कहना बहुत जरूरी है, पढ़ो क्योंकि सीखो, सीखना है, सीखो क्योंकि समझना है, समझो क्योंकि उन्नति करना है। काड़ा का गवर्नर सुल्तान अपने समय को समझता है। तृतीय नगरीकरण की धारा बह रही है, थर्ड अर्बनाइजेशन की धारा बह रही है, इसको पता है, उस धारा को मजबूत करना है। भारत कृषि प्रधान देश है तो आय का स्रोत प्रजा के लिए और राजा के लिए कृषि है। कृषि को सामंतों के चुंगल से बाहर करता है। साम्राज्य को सुरक्षित रखना है, मंगोल खतरे से भारत को बचाना है, साम्राज्य विस्तार करना है, बड़ी सेना रखनी है, बाजार नीति। और तीसरा चरण साम्राज्यवाद, व्यवहारिक, उत्तर पश्चिम का दरवाजा बंद किया, उसके बाद सीधा गुजरात, उस बैंक को कब्जा करने के बाद राजपूताना, राजपूताना के बाद दक्कन, दक्कन में अपना सहयोगी बनाया राजा रामचंद्र को, उत्तर भारत, भारत का इतिहास तीन खंड में है, उत्तर भारत, दक्कन, दक्कन यानी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, ये दक्कन है, और दक्कन के बाद दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत है अली बाबा की गुफा, समृद्धि का केंद्र। इसलिए उत्तर के सभी राजा दक्षिण जाना चाहते हैं, अशोक, समुद्रगुप्त, वहां क्या मिलेगा, मसाला, मसाले की सबसे ज्यादा मांग कहां है, यूरोप में। तो उत्तर का राजा जब दक्षिण जाएगा तो दक्कन से होकर ही जाएगा। चुनौतीपूर्ण भौगोलिक दशा, चुनौतीपूर्ण पठार, जंगल, अब ये जो उत्तर भारत का सिपाही है जो प्लेन में लड़ने का आदी है, प्लेन में, मैदानों में, वो वहां के गुरिल्ला युद्ध में परेशान हो जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रामचंद्र से मित्रता कर ली, और मैंने पिछले लेक्चर में कहा कि यहीं पे अकबर की राजपूत नीति की नींव पड़ी। अकबर को भी दिल्ली से गुजरात जाना है, बीच में खतरनाक इलाका राजस्थान, उसने कहा यार राजपूतों से दोस्ती कर लो। इस पर बृहद चर्चा करेंगे अकबर के काल में। राजा रामचंद्र से दोस्ती करने के बाद उसका निशाना बना प्रताप रुद्रदेव, काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव के बाद बल्लाल, होयसल राजा बल्लाल, उसके बाद मालिक काफूर पहुंचा मदुरई। पांडे वंश में आंतरिक कलह चल रही थी, सुंदर पांडे और वीर पांडे, फिर उसने उस आंतरिक कलह का फायदा उठाया मालिक काफर ने। उस आंतरिक कलह का फायदा उठाया और सुंदर पांडे को सपोर्ट किया बाहर से, मैं तुझे गद्दी दिलाऊंगा। लेकिन गद्दी दिलाने के बहाने वो वहां के मंदिरों को लूटता रहा, और चिदंबरम के मंदिर की जो लूट थी उसके बारे में कहा जाता है कि महमूद गजनी की आंखें कब्र में चमक उठी। इतना धन, सुंदर पांडे को एहसास हो गया कि ये मुझे गद्दी वद्दी नहीं दिलाएगा, ये लुटेरा है, लूटने के लिए आया और यहां की परिस्थिति का फायदा उठाया है। आपसी कला परिवार को बर्बाद कर दे, समाज को बर्बाद कर दे, राष्ट्र को बर्बाद कर दे, विश्व को बर्बाद कर दे, जैसे मेडिकल साइंस में इंसान के रोग है ना, कैंसर है, ट्यूबरक्लोसिस है, एड्स है, ऐसा समाज के भी रोग है,
जातिवाद है, संप्रदायवाद है, ये सब आपसी कला को पैदा करते हैं। और आपसी कला यानी विनाश। ईरान और इराक 8 साल तक लड़ते रहे शिया सुन्नी के मुद्दे पे, खोखला, कमजोर, और फिर बाद में अमेरिका ने इराक को पीट के रख दिया गल्फ वॉर। और इस प्रकार सल्तनत के समय अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत के अलावा भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े भूभाग पर अपना कब्जा रखा। उसकी चौथी प्राथमिकता थी मंगोल खतरे से निपटना। बलबन की नीति को उसने आगे बढ़ाया। बलबन ने 3 डिफेंस लाइन बनाई थी, ब्यास, पंजाब और दिल्ली। इसने उसको आगे बढ़ाया, इसने पूरे उत्तर पश्चिम को मिलिट्री चौकी में बदल दिया, पूरे उत्तर पश्चिम को मिलिट्री चौकी में, योग्य सेना नायकों की उधर नियुक्ति की, जफर खान जैसे लोग जो अच्छे सेना नायक थे उनकी उधर नियुक्ति की, और लगातार मंगोलों पर दबाव बनाए रखा। और इस प्रकार इसने अपनी 4 प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति किया। तृतीय नगरीकरण की धारा को आगे बढ़ाया, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, साम्राज्य की अवधारणा को मजबूत किया, किसानों को सामंतों के चुंगल से बाहर निकाला, एक मिनिमम पारिश्रमिक पर एक बड़ी सेना का निर्माण किया, और लगभग 3/4 भूभाग पर अपना दबदबा कायम किया अलाउद्दीन खिलजी। इतिहास में ये अपने सपनों के लिए भी फेमस है। ये कहता था कि मैं पूरी दुनिया पे कब्जा करूंगा, मैं दूसरा सिकंदर बनूंगा, मुझे दूसरा सिकंदर बनना है। लोगों ने कहा भैया समझाओ इनको, भारत में इतनी जगह खाली है, दुनिया में कहां जाएंगे। तो अलाउल मुल्क ने समझाया कि सरकार अभी तो पूरा भारतीय उपमहाद्वीप बचा है, पहले घर तो कब्जा कर लो, घर बिना कब्जा किए बाहर निकले और पता लगा यहीं में किसी ने उठ के तुम्हारे घर पे कब्जा कर लिया। इसने कहा ठीक, उपाधि ली इसने सिकंदर सानी, दूसरा सिकंदर। एक और सपना था इसका, ये कहता था कि मैं एक नया धर्म चलाऊंगा। तर्क बड़ा प्यारा दिया था इसने, इसने कहा था जैसे मोहम्मद साहब के पास अच्छे दोस्त थे, ऐसे मेरे पास भी अच्छे दोस्त हैं, मैं भी अपना धर्म चलाऊंगा, पैगंबर बनूंगा। दरबारियों को पता था, सरदारों को पता था कि है तो सनकी आदमी, और एक बार इसने शुरू कर दिया तो फिर सबको झुकना पड़ेगा। बड़ी प्यारी कहानी है, पता नहीं कहानियां सच हैं या गलत हैं, लेकिन कहानी बड़ी प्यारी। तो इसके दरबार में अमीर खुसरो साहब थे, अमीर खुसरो साहब निजामुद्दीन औलिया के दोस्त थे। तो अलाउल मुल्क ने कहा कि यार अगर तुम्हारे दरबार में एक आदमी है अमीर खुसरो, अगर ये खुसरो अपने गुरु को तुम्हारे धर्म के लिए तैयार कर ले तो समझ लो तुम्हारा धर्म शुरू, क्योंकि उस आदमी की ख्याति हिंदुस्तान में है, निजामुद्दीन औलिया। कहानी का एक भाग ऐसा होगा जब मैं मध्यकाल की संस्कृति की चर्चा करूंगा, सूफियों की चर्चा करूंगा, संतों की चर्चा करूंगा, क्योंकि मध्यकाल का इतिहास भी सूफी और संतों जैसे सितारों से भरा पड़ा है। कोई रामायण जला रहा है, कोई रामचरितमानस जला रहा है, कोई कह रहा हम हिंदू है ही नहीं। अरे भैया हिंदू नहीं हो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, भारतीय तो हो। और हर व्यक्ति को अपनी विचारधारा धारा मानने का अधिकार है, मेरा तो यह मानना है।
और हर व्यक्ति को अपनी विचारधारा मानने का अधिकार है, ऐसा मेरा मानना है। कोई भी विचारधारा, कोई भी दर्शन किसी व्यक्ति पर नहीं थोपा जाना चाहिए, परंतु जितनी भी फंडामेंटल राइट्स हैं सब पे टर्म एंड कंडीशन है। आप की विचारधारा बहुत अच्छी है, इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे की गलत है। जैसे सामान्य तौर पर मैं आपसे बताऊं, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, उनको वेजिटेरियन लोग बड़ा उल्टा सीधा बोलते हैं कि अरे तुम लोग इंसान ही नहीं हो और तुम्हारे अंदर आत्मा नहीं है और कैसे काट लेते हो जानवर को। लेटो बताएं, आप खा रहे हैं ना वेजिटेरियन, अच्छी बात है, हमने आपको कभी बकरी कहा? सबको सबकी विचारधारा, सबका दर्शन एक्सेप्ट करना चाहिए, किसी को गाली नहीं देना चाहिए। आप बुद्ध को मानते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन रामचरितमानस को जलाने से क्या फायदा? आप पब्लिकली राम की फोटो जलाएंगे, उससे क्या हुआ? आप नहीं मानते राम को, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, लेकिन जब आप ऐसा करते हैं, भाई डॉक्टर बी आर अंबेडकर बुद्ध धर्म का वर्णन किया तो घर में जितनी ग्रंथ थी, ब्राह्मण ग्रंथ, सब जला दिया, मनुस्मृति जलाया, क्योंकि मनुस्मृति सामंतवादी ग्रंथ है, धार्मिक नहीं है, कानून की किताब है। मनुस्मृति कानून की किताब है, कानून, जैसे शरीयत मुसलमानों में कानून है, ऐसे स्मृति हिंदुओं में कानून है, वो भी सामंतवादी। कोई भी जलाएगा, अब सामंतवाद नहीं है। दूसरे की भावना को सम्मान करें। आप अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छे दर्शन को फॉलो कर रहे हैं, दूसरा गलत कर रहा है, कोई बात नहीं। सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव, नहीं तो भारत की विशेषता है, अनेकता में एकता। अलाउद्दीन खिलजी, वो बयाना के काजी का किस्सा सुनाया था मैंने, धर्मनिरपेक्षता के तत्व तो दिखाई पड़ते हैं इसके अंदर। ये जिसको उस वक्त के मौलाना जाहिल कहते थे, ये समझता था अनेकता में एकता। आज तो भारत की शिक्षा दर 80% से ज्यादा है। तो मैं आपको वो सारी कहानियां, वो सारे संतों की, दादू, नानक, रैदास, कबीर, रौलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, सबके बारे में सुनाऊंगा आपको, आगे बढ़ेंगे ही नहीं, उस पूरी पृष्ठभूमि को दिखाऊंगा कि किस पृष्ठभूमि में उन्होंने क्या कहा। शराब जो मध्य एशिया में जहर है, सऊदी अरेबिया में जहर है, वो यूरोप में दवा है। तो जब भी किसी लाइन को सुने, उसका पर्सपेक्टिव जरूर देखें। जो पढ़े लिखे लोग, रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। निजामुद्दीन औलिया, बहुत प्रसिद्ध संत, मध्यकाल के सिद्ध कहा गया उन्हें, प्राणायाम करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि औलिया साहब के शिष्य उनके दरबार में है। अमीर खुसरो बुलाया उन्होंने, अमीर खुसरो को, उसने कहा कि ऐसा करो, तुम्हारे गुरुजी से मुझे मिलना है, निजामुद्दीन औलिया से मुझे मिलना है। कहा सरकार पता कर लेता हूं, आपका फरमान पहुंचा देता हूं कि आप मिलना चाहते हैं। अमीर खुसरो ने जाके निजामुद्दीन औलिया से कहा कि दिल्ली के सुल्तान आपसे मिलना चाहते हैं। औलिया ने कहा जाके कह दो कि मुझे नहीं मिलना उससे।
अब थाने का कांस्टेबल प्रदेश के डीजीपी से मिलने से मना कर दे, लेकिन अलाउद्दीन समझदार आदमी है, क्रोधित नहीं हो रहा है। उसने कहा अमीर खुसरो से कि कोई बात नहीं, हो सकता है शायद आपके गुरु दरबार में नहीं आना चाहते, तो उनसे कहिएगा कि मैं ही उनके कानखा में आ रहा हूं आश्रम में। खुसरो ने फिर जाके कहा कि वो तो यहीं आने के लिए तैयार है। तो औलिया साहब ने कहा कि उससे कहना कि मेरे घर में दो दरवाजे हैं, वो एक दरवाजे से अंदर आएगा, मैं दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगा। तब अलाउद्दीन को लगा कि क्या है तुम्हारे अंदर, यही तो इस देश की खासियत है, यही तो इस देश की खासियत है, फकीरों के सामने राजाओं ने सर झुकाए हैं। और आज भिखमंगों के सामने राजा लोग सर झुका रहे हैं, यही तो इस देश की विशेषता है। बुद्ध और महावीर महलों में पैदा हुए और सड़क पर भीख मांगा उन्होंने, कुछ तो बात रही होगी, धन से ऊपर भी कोई चीज हो रही होगी जो आज हमारी नजरों से गायब हो गई है। जिस देश में बुद्ध और महावीर राजा के घर के लोग सड़क पर उतरे हो, भिक्षा मांगी हो, त्याग किया हो, उस देश का आदमी आज पैसे के लिए परेशान है। कुछ खोया है हमने, कुछ भूले हैं हम। निजामुद्दीन औलिया सुल्तान से कहलवा रहा है, कह रहा है कि अगर आगे के दरवाजे से अंदर आएंगे, मैं पीछे के दरवाजे से बाहर नहीं, मुझे मिलना ही नहीं। आज तो जो होड़ मस्ती है लोगों के बीच, मंत्री जी आगे, मंत्री भैया, मंत्री जी आगे, भैया मंत्री जी आगे, दौड़े जा रहे हैं लोग, सेल्फी लेना है भैया, फोटो खिंचाना है भैया। ठीक है, मंत्री हैं, अच्छी बात है, आप क्यों पागल हुए जा रहे हैं, आप क्यों मरे जा रहे हैं, आपके सेवक हैं, जनता के सेवक हैं, आपके घर आए हैं, कप चाय पी लीजिए, पिला दीजिए, प्रणाम कर लीजिए, सम्मान दे दीजिए, खत्म। आप गिरे पड़ रहे हैं। कहानी का एक बहुत बड़ा संदेश है कि ज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं है। खानकाह में रहने वाला व्यक्ति, आश्रम में रहने वाला, सुल्तान से मिलने से मना कर दिया। कहते हैं बड़ी निराशा हुई अलाउद्दीन खिलजी को, बड़ा निराश हुआ वो, परेशान हुआ, और संभवतः इन्हीं सारे तनाव में एक दिन उसको पैरालिसिस मार गई, फालिस। और जैसे ही उसको फालिस मारी, वो मालिक काफुर जो उसका आधा अंग था, उसी ने उसको धोखा दे दिया, उसकी बीवी से शादी कर ली, हिजड़ा। एक और संदेश, सिंहासन पर बैठा व्यक्ति संसार को अपनी तरफ खींच सकता है, भले हिजड़ा ही क्यों ना हो। मालिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी से शादी कर ली, दिल्ली की गद्दी का दावेदार हो गया, कहा मैं राजा। नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसके बेटे को मारने के लिए उसने भेजा मुबारक खिलजी को, शायद जिन लोगों को इसने भेजा मालिक काफूर ने मुबारक खिलजी को मारने के लिए, उनको शायद मुबारक खिलजी पर दया आई और मालिक काफूर पर गुस्सा भी, और उन्होंने लौटकर मालिक काफूर की हत्या कर दी। कहते हैं कि एक दिन अलाउद्दीन खिलजी इतनी खींच में आया, असहाय बिस्तर पर पड़ा। प्रकृति हर चीज का जवाब देती है, बड़ी निरंकुशता की इसने, बड़ी बर्बरता की, इसका अंत कितना बुरा हुआ। जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं उनका ऐसा अंत होता है। बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, जीसस, कृष्ण,
लेकिन इसने बर्बरता की, धोखा दिया। ठीक है, सफल शासक है पर महान व्यक्तित्व तो नहीं है। अपने समय का आदमी अपने समय को समझता है लेकिन अपने समय से ऊपर नहीं जा रहा है, अपना ही दांत से अपने ही मांस काटकर बाहर निकाल लिया। कितना फ्रस्ट्रेशन रहा होगा। और ऐसी परिस्थिति में इसकी मृत्यु हो गई। मुबारक खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा, दिल्ली का सुल्तान मुबारक खिलजी, यंग, योग्य। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जो संरचना बना रखी थी उसको संभाल पाना हर आदमी के बस की बात नहीं थी। एक लंबे समय तक बाजार की दरों को अपने कब्जे में रखना आधुनिक सरकारों के बस में नहीं है। आधुनिक कुछ समय तक तो चीजें सही चलती रही। मुबारक खिलजी के काल की जो सबसे प्रमुख घटना है वो ये है कि दक्षिण के विलय की शुरुआत, देवगिरी पर कब्जा कर लिया गया और यहीं से सल्तनत का दक्षिण विस्तार की शुरुआत, यह अहम घटना है। लेकिन कुछ समय बाद वो नवयुवक उतने सारे बोझ को शायद झेल नहीं पाया। जिस निरंकुशता से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सारे साम्राज्य को बांध रखा था वो उसे संभाल नहीं पाया। संपत्ति के साथ जो सबसे बड़ी चीज व्यक्ति को मिलती है वह सुकून। क्या वो रोटी कपड़ा मकान से ऊपर उड़ गया? लेकिन संपत्ति के साथ जो सबसे बड़ी विपत्ति व्यक्ति को मिलती है वह कमजोरी। बड़े घर में पैदा होना निश्चित तौर पर एक उपलब्धि है, सुकून है, जो दिन प्रतिदिन की आवश्यकता है उसके बारे में सोचना ही नहीं है। लेकिन इस उपलब्धि के साथ एक विपत्ति भी है, कमजोरी, मानसिक, शारीरिक। आप देखो लखनऊ के सड़कों पे हजरतगंज, छोटे छोटे बच्चे एक डिग्री टेम्परेचर में पतली सी शर्ट पहन के टहल रहे हैं सड़क पे, भीख मांग रहे हैं। उनको अंदाजा नहीं है कि प्रकृति ने उनके शरीर को कितना ताकतवर बना दिया है। इसलिए जिनके घर में संपत्ति है उनको एक बात याद रखना चाहिए, बहुत सुविधा नहीं देनी चाहिए, अवसर मुहैया कराने चाहिए। अवसर और सुविधा में फर्क है। संपत्ति है, समृद्धि है, बहुत अच्छा, अच्छे अच्छे अवसर आप उपलब्ध करा सकते हैं अपने बच्चों को, बिल्कुल कराइए, बहुत सुविधा मत कराइए। सुविधा जो है वो व्यक्ति को कमजोर करती है। जिनके घर भी 5 मंजिल तक हैं उनको सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। इतनी प्यारी चीज है सीढ़ियां। दिन में अगर सिर्फ 4 बार आप 5 मंजिल चढ़कर उतर आए तो आप यकीन मानिए कि शाम को आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। मैंने तो देखा अपनी सोसाइटी में जो फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं वो भी लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। लिफ्ट है बुजुर्गों के लिए। देखिए कैसे सुविधाओं ने व्यक्ति को बर्बाद कर दिया। लिफ्ट एक सुविधा है, आपको एक बड़ा सामान 10वीं मंजिल तक ले जाना है आप लिफ्ट पे लेके चले जाएंगे। एक बुजुर्ग व्यक्ति को 10वीं मंजिल पे ले जाना आप लिफ्ट पे लेके चले जाएंगे। लेकिन जो यंग है, युवा है, बच्चे हैं, फर्स्ट फ्लोर के लोग लिफ्ट पे चलते हैं, फर्स्ट फ्लोर। अब करके देखिए जीवन में छोटी छोटी चुनौतियों को लेकर देखिए। वही जो डॉक्टर आपसे कह रहा है ना कि 5 किलोमीटर डेली चलिए, आप 5 बार सिर्फ 5 मंजिल चढ़ जाइए उतर जाइए, शुगर कंट्रोल। मुबारक खिलजी राजा का बेटा है, दबाव बर्दाश्त करने का आदी नहीं है। हमारे मां बाप है समाज में,
वो चाहते हैं हमारा बच्चे को हर सुविधा मिले, बहुत अच्छी बात, हर अवसर मिले, बहुत अच्छी बात, लेकिन सुविधा देने के चक्कर में कमजोर मत बनाइए। प्रेम में हमारे मां बापों को पता नहीं चल पाता कि वो अपने बच्चों को कमजोर भी कर रहे हैं, और उन कमजोर बच्चों से आप बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षा की पूर्ति की आशा रखते हैं। आईएएस की जो तैयारी है, हर दिन स्ट्रेस है, एवरी डे, और आपने बच्चे को शुरू से कभी चुनौती देख हैंडल करना सिखाया नहीं कि छोटे छोटे मुद्दों में तू ही देख। राजा बनना एक चुनौती है और बने रहना उससे बड़ी चुनौती है, और राजा के रूप में मरना सबसे बड़ी चुनौती है। राजा मतलब चुनौती। हमारा आज का जो समाज है, हमारे आज के जो युवा है, ये सोचते हैं सिर्फ पढ़ के ही राजा बनोगे, नहीं, ताकतवर होगे, और ताकत कहां से शुरू होगी, मन से। तभी तो मैं हर लेक्चर में ऐसा कोई लेक्चर मेरा जाता नहीं जब मैं ध्यान शब्द का इस्तेमाल ना करूं। ध्यान मतलब मन को ताकतवर बनाने की कला। क्यों नहीं उठोगे सुबह, क्यों नहीं जॉगिंग करेंगे, क्यों नहीं शक्ति बढ़ाएंगे? सूर्य के पास शक्ति ही तो है, तभी तो चमक रहा है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी मालिक काफूर के प्रेम में था, वैसे ही मुबारक खिलजी भी खुसरो शाह के प्रेम में था। शायद बाप से हिम्मत और शक्ति तो नहीं मिली, लेकिन ये आदत मिल गई। फिर उसने उस चीज का फायदा उठाया, मुबारक खिलजी की हत्या की, भारतीय कन्वर्टेड मुसलमान, और नशरुद्दीन मोहम्मद के नाम से उसने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करने का प्रयास किया। कन्वर्टेड मुसलमान, कन्वर्टेड। मैं किसी मौलाना साहब को किसी डिबेट में सुन रहा था, उन्होंने कहा इस्लाम जातिवाद को नहीं मानता, लेकिन भारत के मुसलमान मानते हैं। यहां का मुसलमान कहता है ये सैयद, ये अंसारी, इस्लाम और जातिवाद, लेकिन भारतीय मुसलमान मानते हैं। किसी चीज को खराब करना हो भारत ले आओ, चाय चीन और जापान में अमृत है, औषधि है, भारत में जहर है, चीनी, दूध, गैस की समस्या का जन्मदाता है चाय। अगर उसमें दूध मिली है, अगर उसमें नींबू मिला है और शहद मिला है और अदरक मिला है, औषधि है। जापान में चाय का उत्सव होता है। अब ये तुर्कों को बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक भारतीय मुसलमान, कन्वर्टेड मुसलमान, वो भी नीच जाति का, वो दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। और नशरुद्दीन मोहम्मद ने अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए खूब पैसा बांटा। ये आज ही इलेक्शन के समय भारत में पैसा नहीं बांटता, पैसा बांटने का बड़ा पुराना रिवाज है इस देश में, और यही वो देश है जहां के लोग कहते हैं अरे पैसा कुछ नहीं होता भैया, हाथ की मैल है, दिखाओ निकाल के। कुछ पैसा उसने निजामुद्दीन औलिया को भी दिया कि औलिया साहब अगर एक्सेप्टेंस दे देंगे तो यहां बाकी लोग हमें वैसे ही मान्यता दे देंगे और मैं सुल्तान बन जाऊंगा। लेकिन तुर्कों को यह बात हजम नहीं हुई, सब यूनाइट हुए, और उत्तर पश्चिम का एक सेना नायक था ग्यासुद्दीन तुगलक, उसने दिल्ली का घेरा डाला और नशरुद्दीन मोहम्मद को उतार कर फेंक दिया, और ग्यासुद्दीन तुगलक बैठा दिल्ली की गद्दी पर, और यहीं से दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश का आगमन, तुगलक राजवंश। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका बड़ा फेमस शासक है, लगभग सभी ने भारत में उसका नाम सुना होगा, तुगलक राजवंश की शुरुआत। तो दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश दास वंश, इलबारी वंश, प्रमुख शासक इल्तुतमिश बलबन, दूसरा खिलजी, प्रमुख शासक अलाउद्दीन खिलजी,
तीसरा तुगलक, प्रमुख शासक मोहम्मद बिन तुगलक। चौथा सैयद, पांचवा लोदी। और लोदियों के बाद एक नए दौर की शुरुआत, मुगल राजवंश। पर उससे पहले ग्यासुद्दीन तुगलक पर थोड़ी सी चर्चा की जाए। कब्जा किया उसने, दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया। एक योग्य सेनानायक जिसने मंगोलों को लगातार हराया, और योग्य शासक भी। ये जो अराजकता पैदा हुई मुबारक खलजी के आने से, उसने उस पर नियंत्रण किया। नहरें बनवाई, किसानों के लिए काम किया, जो केंद्र से अलग हो रहे थे राज्य उन पर पुनः कब्जा किया। जितने लोगों को नसीरुद्दीन ने पैसा बांट रखा था उनसे वापस लिया। उसमें निजामुद्दीन औलिया को भी संदेश भेजा कि औलिया साहब पैसा वापस कर देना। पर संत महात्मा कहां पैसा रखते हैं। बंगाल के अभियान पे था ग्यासुद्दीन तुगलक, संदेश भेजा इसने कि औलिया साहब पैसा वापस कर देना सारा। औलिया ने संदेश भेजवाया कि मेरे पास पैसा कहां है, मुझे मिला मैंने बांट दिया। उसने कहा आ रहा हूं मैं दिल्ली। तो निजामुद्दीन औलिया ने एक बड़ा प्रसिद्ध वक्तव्य दिया, हुनूज दिल्ली दूरस्त, कि सरकार दिल्ली अभी बहुत दूर है। और बंगाल के अभियान से जब ये वापस लौटा, यही काला इलाहाबाद, सारी उपलब्धियों का प्रदर्शन पंडाल बनाया गया। उसी प्रदर्शन के दौरान पंडाल गिर गया, और जब पंडाल गिर गया तो उसी में दबकर ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। वो दिल्ली तक नहीं पहुंच सका। और ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद जो आदमी दिल्ली की गद्दी पर बैठा वो है मोहम्मद बिन तुगलक। इतिहास विषय को पढ़ने का एक अलग मजा है, और खासकर उन लोगों के लिए जो महत्वाकांक्षी हैं। वैसे तो हर व्यक्ति को इतिहास पढ़ना ही चाहिए, और हर विषय का अपना एक पहलू है। हमारी एक सामान्य मन की आदत क्या है, भूगोल बहुत अच्छा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खराब है। ऐसा नहीं है, ना कोई टीचर खराब है, ना कोई किताब खराब है, ये सब तो औसत मन की अवधारणाएं हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उद्देश्य क्या है पहले यह पता कर लो। वो जो विषय है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो आपको क्या बताना चाहता है। जो समाज शास्त्र एक विषय है, औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद ने पूरी दुनिया के समाज को बदल दिया। प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ो, प्राचीन यूरोप का इतिहास पढ़ो, प्राचीन चीन का इतिहास पढ़ो, और वहां की सामाजिक दशा पढ़ो, और फिर आधुनिक सामाजिक दशा एकदम परिवर्तित। 1949 के बाद का चीन एकदम अलग चीन, 1947 के बाद का भारत एकदम अलग भारत। कैसे संभव हुआ ये समाजगत परिवर्तन, कैसे आए, बहन मायावती सीएम कैसे बनी, दलित चेतना का उत्थान क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आप सबको समाज शास्त्र बताएगा। मजा आएगा पढ़ने, उन फोर्सेस के बारे में पता चलेगा जो सामाजिक शक्तियों को गतिमान करती हैं। साइकोलॉजी आधुनिक युग का विषय, कि मन के लक्षण है। हालांकि साइकोलॉजी परेशान भी करती है व्यक्ति को, हम हर आदमी का मन पढ़ने लगते हैं, और दूसरे का मन पढ़ते पढ़ते हमारा ही मन खराब हो जाता है। मेरे बड़े सारे मित्र हैं जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ रखी, उनके अंदर मैं एक चीज देखता हूं, दूसरे का मन पढ़ते हैं, कहते हैं चार बार ऐसे ऐसे हाथ कर दे तो समझ लो अपराधी। अब भैया हाथ जल गया है, इसे इसे कर रहा है, या हाथ में मिर्चा लग गया है, भनभना रहा है उसका हाथ। इसलिए भारत में साइकोलॉजी को उतना महत्व नहीं दिया, भारत ने ध्यान को महत्व दिया कि मन को जीत लो, मन के पार चले जाओ। भूगोल बताएगा कहां पे क्या इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, यहां के लोग कैसे हैं, जलवायु कैसा है, वातावरण कैसा है, लोगों की मानसिक दशा कैसी है, रिसोर्सेस क्या क्या है। किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उस विषय का उद्देश्य हाथ में ले लो। इतिहास पास्ट का दर्शन कराएगा,
आज संप्रदायवाद बहुत बड़ी चुनौती, आज जातिवाद चुनौती, सामाजिक समरसता को कैसे पैदा किया जाए, तो अशोक का धम्म काम आएगा। जो व्यक्ति अशोक के धम्म को प्यार से पढ़ेगा, सार वृद्धि, अशोक के धम्म का केंद्र बिंदु सार वृद्धि, पढ़ता है मैंने एंशिएंट इंडिया में कि प्रत्येक व्यक्ति को हर धर्म के केंद्र बिंदु को जानना चाहिए। झगड़ा खत्म, तनाव खत्म, टेंशन खत्म। इसके अलावा जो इतिहास का महत्व है वो ये है कि वो दो तरह के व्यक्तित्व तो आपके सामने रखता है, एक जिसने निर्माण किया, बनाया। उसी में रामधारी सिंह दिनकर ने कविता लिखी, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, बुद्ध नया धर्म चलाया, कृष्ण अतुलित यश, सिकंदर वसुधा का नेता कौन हुआ। और आप भी ये सब बनना चाहते हैं तो कविता आंसर दे रही है, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, प्रभु राम, प्रभु राम। जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, विघ्न चैलेंज चुनौती, काम क्या उसका, जीवन में विघ्न जब आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। थक गए आप दिन भर काम करके, बहुत धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके सड़क पे चल रहे हो, एक बैग कुत्ते ने दौड़ा लिया और कुत्ते ने जैसे दौड़ाया आप 80 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहे हैं। वही व्यक्ति जो 5 मिनट पहले थका हुआ था वो गतिमान है। ये गति किसने दी, चुनौती ने, विघन ने। घर में लेटे हैं, पड़ोसी घर में आग लग गई, कूद फान के बाल्टी बाल्टी भर पानी डाल रहे हैं, ये गति किसने दी, विघन ने। जीवन में विघ्न जब आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल कि नहीं होगा, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा, दुनिया खत्म होने वाली है। नास्त्रदमस ने कहा था 24 में सब खत्म हो जाएगा। जीवन मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झजोड़ते हैं पल पल। सतपथ पर हमें लगाकर ही जाते हैं, हमें जगा कर ही, यह काम है इतिहास के व्यक्तित्वों का। अब्राहम लिंकन, गांधी, कलाम, हजरत उमर, अंबेडकर, पढ़ो इनके बारे में। हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति को ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी पढ़ना चाहिए। उसका परिणाम क्या है उससे आपको पता चलेगा कि जिन चुनौतियों का सामना आज आप कर रहे हैं वो आपसे पहले हर एक महत्वाकांक्षी कर चुका है। और दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग आपको दिखाई पड़ेगा जिन्होंने मिटाया, जिन्होंने मिटाया, मुबारक खिलजी, तुगलक शाह, इब्राहिम लोदी। तो आप वो जो जिन्होंने बनाया और जिन्होंने मिटाया, दोनों का नाम एक तरफ लिख के और सारे गुण लिख लीजिए। अब देख लीजिए दोनों में से कौन से गुण आपके अंदर हैं और किसको बदलना है। ऐसे ही एक व्यक्तित्व की हम चर्चा करेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक की। पढ़ा लिखा, शिक्षित, विद्वान, लेकिन इतिहास में अभागा शासक कहा जाता है, अभागा मोहम्मद बिन तुगलक, अभागा शासक। कहते ना अयोग्य, अयोग्य नहीं, अभागा। कहते हैं भैया ये सोना छू ले तो मिट्टी हो जाए, वही वाला हाल था उसका, सोना छू ले तो मिट्टी हो जाए। तो ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। आज के एपिसोड में बस इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।